हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर बेबी बॉय। और आज बात करेंगे खो गए हम कहां के बारे में। यू नो, खो गए हम कहां इज वन ऑफ माय एंटिसिपेटेड मूवी दिस ईयर। आज इस फिल्म का मैं आपको स्टोरी प्रेडिक्शन दूंगा, इसके टीजर ट्रेलर्स पोस्टर्स गाने से जज करके आपको इसकी स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। पास्ट में भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने फिल्म के रिलीज से पहले ही उसकी स्टोरी बता दी है। कई बार मेरे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट भी आए हैं। मैं पहले से क्लियर कर दूं, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, ना ही मैं किसी भी इस फिल्म के प्रोडक्शन से इन्वॉल्व्ड हूं, और ना ही मैंने इस फिल्म को किसी टेस्ट स्क्रीनिंग में देखा है या किसी स्पेशल स्क्रीनिंग में नहीं देखा है। गाइस, एज यू ऑल नो, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, सो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई विल बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज डू दैट, सपोर्ट मी, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी एफर्ट जाती है, मेहनत जाता है, रिसर्च वर्क जाता है, टाइम जाता है, सो प्लीज डू दैट। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, खो गए हम कहां तीन दोस्तों की कहानी है, अहाना सिंह, नील परेरा, इमाद अली। अहाना सिंह जो लड़की है, ये टिपिकल एक पंजाबी गर्ल है, ये लंदन से इसने MBA किया है और इसका एक बॉयफ्रेंड है नील परेरा, ही इज अ फुटबॉलर, इसका फेवरेट बैंड है लिंकिन पार्क, और ये मिडफील्डर है, ये एक फुटबॉलर है, ये फिटनेस फ्रीक है और इसको जूते कलेक्शन का बहुत शौक, ही इज ऑल्सो अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ये जूतों की अनबॉक्सिंग करता है, दैट मीन्स इसका ब्रांड कोलैबोरेशन है और उसको वहां से काफी पैसा आता है, दैट मीन्स इसको सोशल मीडिया से अच्छा खासा पैसा आता है और ये अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ भी बहुत फ्लॉन्ट करता है, अपने जिम सेशंस एंड ऑल ये सब फ्लॉन्ट करता है जैसे कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। इमाद अली ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन बंदा है, पर इसके लाइफ में भी कई इश्यूज हैं। हो सकता है जब ये बच्चा बड़ा हो रहा हो इसके कुछ पेरेंटल इश्यूज हो या निग्लेक्टेंट पेरेंट्स हो, क्योंकि ये ट्रेलर में बोल रहा है कि जब कल्कि इससे पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम फनी हो, ये कहता है जब मैं बहुत सैड था, सो दैट मींस इसके लाइफ में ये डिप्रेस्ड है, तो माइट बी इसके पेरेंट्स हो सकता है इसको इतना ध्यान ना देते हो। एक सीन में आदर्श गौरव कह रहा है कि तू इमोशनली स्टंटेड है, वो लोग जो इमोशनली स्टंटेड होते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते और वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स अपने फायदे की कदर करते हैं। टू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन या फिर टू गेट आउट ऑफ द सैडनेस यू डू अदर स्टफ्स लाइक यू ड्रिंक एंड ऑल, तो इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है वो पीता भी है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज लाइक हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो इस फिल्म में जो सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर है, ही इज एडिक्टेड टू टेंडर, ही इज एडिक्टेड टू हुकअप, ही इज अ हुकअप कल्चर गाय जो कि नई नई बंदियां जो कि टेंडर से नए नए लोगों को उठाता है और हुकअप करता है। ही इज शोन टू बी दैट गाय लाइक हु आर प्रोमिस्कियस और हु आर लाइक फक एंड फॉरगेट वन नाइट स्टैंड्स, उस टाइप वाला बंदा है। देखो, कोई डिनाई नहीं कर सकता इट्स अ फिजिकल नीड, सो कोई भी यहाँ पे जो वीडियो सुन रहा है कोई भी साधु संत है नहीं, ठीक है, इट्स अ फिजिकल नीड एंड पीपल डू इट। इसको इस टाइप का बंदा दिखाया गया है। ये तीनों फ्रेंड्स है, ये चिल करते हैं, ये गोवा जाते हैं एंड ये आज से नहीं फ्रेंड्स है, ये बचपन से फ्रेंड्स है, ये एक स्कूल है हैलिडे एकेडमी, वहां से ये सब बच्चे पढ़े हैं, तो ये इट्स अ स्कूल टाइम फ्रेंड्स और ये सब एक ही बिल्डिंग में ही रहते, उसी बिल्डिंग के छत पे ये लोग अधिकतर मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं या फोन चलाते हैं। हमारी अहाना सिंह है, ये लंदन पढ़ने गई थी, अब ये एक रिलेशनशिप में है एक बंदे के साथ प्लेड बाय रोहन गुरबख्शनी। इनका जो रिलेशनशिप है काफी टर्मोइल रिलेशनशिप है क्योंकि शायद वो बंदा इससे बोर हो गया है, रिलेशनशिप में एक सैचुरेशन आ गया है, बट अहाना जो है वो उस रिलेशनशिप को चलाना चाहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड जो है ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड एंड ही इज मीटिंग अदर पीपल, सो इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा एंड द गर्ल अहाना विल नॉट मूव ऑन इजली, शी विल कम्प्लीटली स्टॉक हिज लाइफ ओवर सोशल मीडिया, बट द बॉय जस्ट डोंट केयर, द बॉय जस्ट डोंट गिव अ फक, वो मूव ऑन हो जाएगा और वो नई बंदी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा और वो अपने जो लाइफ के हाईलाइट्स हैं या अपनी बंदी के साथ जो टाइम स्पेंड करता है वो अपने सोशल मीडिया पर डालेगा, जो देख के अहाना बहुत इनसिक्योर होगी, जलेगी और इस बात को लेकर वो रोहन से लड़ेगी भी कि लाइक शी इज एडिक्टेड टू वॉचिंग हिज लाइफ। जहां तक मुझे फिल्म का लग रहा है इन दोनों का भी पैचअप नहीं होगा तो अनन्या का दिल टूटेगा इस फिल्म में। अब बात करते हैं नील परेरा की। सो बेसिकली नील परेरा जो है वो एक दूसरी बंदी से प्यार करेगा प्लेड बाय आन्या सिंह, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं ओवर इंस्टाग्राम, शी इज अ मॉडल कह सकते हो एंड शी गेट्स द वाइब, शी गेट्स द लाइफ। नील परेरा को उससे बहुत ज्यादा इन्फैचुएशन है या फिर अट्रैक्शन है, पर उस बंदी को नहीं है, वो बंदी शायद सिर्फ उसको बस एज अ कोलैबोरेटर यूज कर रही है या फिर
एज अ फ्रेंड यूज कर रही है या फिर उससे सेक्सुअल फेवर ले रही है, दैट्स इट, शी इज नॉट इन टू हिम एट ऑल. क्योंकि वो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जहां पे वो बंदी दूसरे बंदे के साथ डांस कर रही है. एक सीन है जहां पे वो बंदी इसके साथ फिजिकल हो रही है, दैट मीन्स वो बंदी उसको बस इंस्टाग्राम के लिए यूज करती होगी एज अ कोलैबोरेटर फॉर कोलैबोरेशंस एंड ऑल, या फिर जस्ट उसको सेक्सुअली यूज करती होगी, दैट्स इट. उस बंदी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है. यहां पे नील परेरा का भी, हमारे आदर्श गौरव का भी दिल टूटने वाला है. इमाद अली जो है वो कल्की से को डेट करेगा, तो इसको कल्की मिलती है टिंडर पे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है. पर जो लोग हुकअप कल्चर में इन्वॉल्व हो चुके हैं और जिनकी हैबिट बन चुकी है हुकअप करने की, वो भाई उनको हुकअप बंद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अनलेस दे फाइंड देयर ट्रू लव, अनलेस दे फाइंड देयर सोलमेट. तो ये बंदा उसके साथ रिलेशनशिप में आता भी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज सीइंग अदर पीपल, ही इज बैंगिंग अदर पीपल, ही इज हैविंग सेक्स विद अदर पीपल. जब कल्की को पता चल जाएगा तो मोस्ट प्रोबब्ली कल्की भी इसको छोड़ देगी और इस बंदे का भी दिल टूटेगा. अब जब इन तीनों का दिल टूटेगा, इनके खुद में भी अपने भी पर्सनल इश्यूज हैं. जैसे जो इमाद अली है, वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी में क्या करते हैं, लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, राइट. तो ये अपने ही जो दोस्त अपना नील परेरा, उसका जो ये रिलेशनशिप वाला इशू हुआ था आन्या सिंह के साथ, दैट द गर्ल वॉज वे आउट ऑफ हिज लीग और वो बस उसको पेड पार्टनरशिप के लिए यूज करती है, तो वो ये जो इंसिडेंट है वो अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी स्केच में बोल देगा और उस स्केच के दौरान नील और आहाना दोनों वहां पे प्रेजेंट होंगे और नील बहुत ही पिस्ड ऑफ हो जाएगा और उसकी बहुत गंदी लड़ाई होगी हमारे इमाद के साथ और फिर दोनों में मतलब खट्टास हो जाएगा और वो उसको सुना देगा कि तू इमोशनली स्टंटेड है, तेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तेरे दिल में कोई भी इमोशंस नहीं है किसी को लेके, और इनकी लड़ाई हो जाएगी. तो ब्रेकअप भी होगा, दोस्ती में लड़ाई भी होगी, बट फिर क्योंकि फिल्म है और फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग देनी है तो इवेंचुअली सारी चीज़ें भुला के पैचअप भी हो जाएगा. हो सकता है आहाना ही इन दोनों का पैचअप कराए और फिर उसके बाद ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे. आई थिंक क्लाइमैक्स जो फिल्म का है वो न्यू ईयर पे है, या तो वो न्यू ईयर मुंबई में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं या तो वो न्यू ईयर ये वापस गोवा जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ खो गए हम कहाँ. इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर.